तो नमस्ते भारत में 8 बजे की 8 स्पेशल रिपोर्ट लगातार जारी। इस बीच दिल्ली एनसीआर वालों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली एनसीआर वालों को आज भी ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आज पूरा दिन शीतलहर जारी रहेगी। ठंड से लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली के लोधी रोड पर आज सुबह न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि कल का न्यूनतम तापमान तो 3.5 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम विभाग का कहना है कि आज लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री और अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आज का दिन साल का सबसे ठंडा दिन भी हो सकता है। फिलहाल कल का दिन अब तक का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। पिछले एक हफ्ते से चल रही शीतलहर से ठंड का प्रकोप दिल्ली एनसीआर में जारी है। फिलहाल इस शीतलहर भरी ठिठुरन से लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मैं इस समय मौजूद हूँ मौसम भवन लोधी रोड के ठीक सामने, और सुबह का जो न्यूनतम तापमान है लोधी रोड पर वो 4.6 डिग्री दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि इसी समय कल जो न्यूनतम तापमान था वो 5.8 डिग्री दर्ज किया गया था, जिसका मतलब साफ ये है कि आज जो है वो ठंड ज्यादा है, आज ठंड बढ़ गई है। वहीं बात करें तो मौसम विशेषज्ञों की माने तो कल जो तापमान था वो न्यूनतम तापमान शाम होते होते 3.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। मौसम विभाग की माने तो शीतलहर आज भी पूरे दिन चलेगी। आने वाले 2 दिन और इसी तरह से शीतलहर दिल्ली एनसीआर में चलने वाली, जिसके बाद कुछ थोड़ी बहुत राहत मिलने का आसार है लोगों को। वहीं जो आज का न्यूनतम तापमान है, मौसम विभाग के अनुसार आज न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, वहीं अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।